दोस्तों स्वागत है आपका फोर्थ आई न्यूज में। आज हम अपनी रिपोर्ट में बताएंगे क्यों मेनका गांधी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर। कांग्रेस की परिकल्पना गांधी फैमिली के बिना नहीं की जा सकती, लेकिन क्या आपको पता है कई साल पहले इस फैमिली में दो बहुओं के बीच राजनीतिक विरासत को लेकर युद्ध शुरू हुआ था, जिसका अंत एक बहू को घर से निकालने के साथ हुआ। ये बहू थी मेनका गांधी और उन्हें घर से बाहर निकालने वाली थी उनकी सास इंदिरा। आज संजय गांधी की पत्नी मेनका और उनके बेटे वरुण ने भारतीय राजनीति में अपने लिए एक प्रतिष्ठा प्राप्त की है। भारतीय जनता पार्टी में दोनों ने राजनीतिक स्टैंड बरकरार रखा है, लेकिन मेनका गांधी संजय गांधी की मृत्यु के बाद सुव्यवस्थित गांधी परिवार की गृहस्थी छोड़ चुकी थी। इसके बारे में कम ही लोग जानते हैं और आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। सोनिया और मेनका का रिश्ता देवरानी जेठानी के रूप में शुरुआत में गर्व और सहानुभूतिपूर्ण था। सोनिया बड़ी होने के नाते मेनका की तुलना में घरेलू मामलों और रसोई पर अधिक ध्यान देती थी। दूसरी ओर मेनका को रसोई में अपना समय बिताने का कोई भी शौक नहीं था। वो राजनीतिक भाषण और अपनी सास की मदद करने में ही व्यस्त थी। लिहाजा इंदिरा को मेनका से ज्यादा सोनिया पर ज्यादा भरोसा होने लगा। 1970 में इंदिरा की हार के बाद जब परिवार ने प्रधानमंत्री आवास छोड़ा, तब सोनिया और इंदिरा का संबंध और भी ज्यादा मजबूत हो गया। संजय गांधी की मृत्यु हो गई, उसके बाद मेनका अकेलापन महसूस करने लगी। वहीं इंदिरा ने संजय की मौत के बाद मेनका के बजाय राजनीतिक विरासत राजीव गांधी को सौंप दी। बस यही वो पल था जब मेनका के मन में खटास आ गई। उधर कहीं ना कहीं सोनिया भी भारतीय राजनीति में मेनका के प्रवेश को सही नहीं मानती थी। साल 1980 में सोनिया और इंदिरा लंदन में थी, जब मेनका ने संजय के विचार मंच से भड़काऊ भाषण दे दिए। जैसे ही इंदिरा को ये बात पता चली, वो वापस भारत आई। भारत में आते ही दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ और रात के 1 बजे मेनका को इंदिरा गांधी ने उनके 3 साल के बच्चे वरुण के साथ घर से बाहर निकाल दिया। बताया जाता है कि मेनका को उस वक्त घर से कपड़े तक ले जाने की इजाजत नहीं दी गई। आज घटना को कई साल बीत चुके हैं। राहुल अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस की अगुवाई कर रहे हैं, वहीं सोनिया गांधी रिटायरमेंट को हैं। उधर मेनका और वरुण बीजेपी की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। तो दोस्तों आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर दें।